ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, जहां से चोरों ने 90,000 रुपए उड़ा दिए। जानकारी के अनुसार मामला मथुरा के थाना मगुर्रा अंतर्गत सौंख देहात के गांव नगला देविया का है, जहां 30 जुलाई 2020 की रात को लगभग 10 बजे से रात को 12 बजे के बीच में चोरों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री कृष्णा पुत्र प्रकाश सिंह निवासी नगला देविया के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां घर में रखे 90,000 रुपए चोरों ने उड़ा दिए। ये पैसा कृष्णा अपनी आलू की फसल बेचकर मजदूरी और खेती के खर्चे के लिए लेकर आया था। घटना की सूचना जब घर वालों को लगी तो उनके होश उड़ गए। आनंद फानन में 112 डायल पुलिस को फोन किया। करीब एक घंटे बाद 112 डायल की पुलिस मौके पर पहुंची। मौकाई वारदात का मौका मुआयना किया गया। सुबह होते ही कृष्णा अपनी FIR देने सौंख पुलिस चौकी पहुँचे, जहां घटना के बारे में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। पुलिस ने बीती रात चोरी की घटना के बारे में जांच कर आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया, मगर भाजपा युवा मंडल महामंत्री और उसके परिवार का इस घटना के हो जाने पर हाल बेहाल है। घर में छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी दुखी हैं। कृष्णा ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से घटना के खुलासे की और चोरों को पकड़ने की और अपना पैसा वापस दिलवाने की मांग की। कृष्णा का कहना है कि अगर आज ऐसी घटना का खुलासा नहीं हुआ और चोर नहीं पकड़े गए तो कल किसी गरीब के घर में इससे भी ज्यादा खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं। अब देखना होगा थाना मगुर्रा पुलिस इस घटना का कब तक संज्ञान लेती है और चोरों को पकड़ पाती है। क्या किसान परिवार के खून पसीने की कमाई को उसे वापस दिलवा पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मंच न्यूज के लिए गोवर्धन से नरेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आपका नाम? जी मेरा नाम कृष्णा। कहाँ से हैं आप? मैं नगला देविया से। ये क्या घटना हुई है आपके घर में? रात को चोरों ने मेरे घर में चोरी का अंजाम दिया है। मैं आलू बेच के आया था कल। हाँ? मेरा आलू का कल पेमेंट आया था जी, 90,000 रुपए में लेके आया था। वो मैंने आके अलमारी में रखे थे जी। ये खेती बाड़ी का काम चल रहा है, कुछ लोगों से जो कर्जा लिया था क्या खाद पानी देने के लिए, उनके लिए पैसा ला के रखा हुआ था। तो रात को चोरों ने आके अपना हाथ साफ कर लिया। तो आपने प्रशासन को अवगत कराया है? हाँ, प्रशासन को मैंने रात को ही 112 नंबर पे कॉल किया जी। तो आए थे 112 नंबर गाड़ी आई थी, उसके बाद में उन्होंने सुबह हमें थाने आने के लिए बोला था। अब तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से बस इतनी ही उम्मीद है हमें कि जो हम उनके पास में उम्मीद लेके गए उसको वो पार करें और हमारा जो भी पैसा गया है वो वापस आए और चोर को कठिन से कठिन सजा मिले और ये चोरी खुलनी चाहिए, क्योंकि जिस चोर ने आज हमारे घर में इस वारदात को अंजाम दिया वो कल को औरों के भी घर में देगा। ये चीज बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी बदमाशों को ठिकाने लगाने में लगी हुई है, चोरों को ठिकाने लगाने में लगी हुई है, तो एक और इस चोर को ठिकाने लगाएं और हमारी इस वारदात का खुलासा करें। क्या नाम है आपका? प्रकाश। क्या घटना हुई है आपके घर में? ये चोरी। कौन सा काम की है ये घटना? तो ये कितने बजे की घटना है? ये 12:00। तो आपने किसी को सूचना नहीं दी, पुलिस को वगैरह? दई। क्या हुआ उसमें? आई पुलिस, क्या कह के गई है? कह गई है थाने पे आ जाना। थाने पे आ जाना। तो आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं मिल जाए तो बढ़िया है।